लगातार जारी है। बुधवार देर रात कंदर थाना क्षेत्र स्थित काशीपुर तिहारा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से लगातार आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान कार सवार एक बदमाश पुलिस को गोली लगाने से घायल हो गया। उस पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों के उस पर लूट और डकैती के एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस टीम उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। कनगर थाना क्षेत्र में काशीपुर तिराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। कार पर सवार होकर एक संदिग्ध युवक आ रहा था। पुलिस ने चेकिंग करने के लिए कार को रोकने का इशारा किया। कार रोकने के बजाय बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब आधा घंटा तक दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। इस दौरान कार सवार एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम उस्मान पुत्र मियां जान निवासी डबारसी थाना आदमपुर जिला अमरोहा बताया। आज शाम के वक्त मुरादाबाद की SOG टीम और काशीपुर दराह थाना कटघर की टीम काशीपुर दराह पर चेकिंग कर रही थी। उसी चेकिंग के दौरान दलपतपुर की ओर से एक एक्सेंट गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था। जब उसने सामने पुलिस द्वारा चेकिंग होती हुई देखी, तो उसके द्वारा पुलिस को अवॉइड करने के मकसद से अपनी गाड़ी को यू टर्न लेके वापस दलपतपुर की तरफ मुड़ के भगाने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम जो वहाँ पर चेकिंग कर रही थी, उसको जब यह घटना संदिग्ध लगी, तो उसके द्वारा तुरंत गाड़ी का पीछा किया गया। जब गाड़ी का खुद को पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए देखा गया, तो उस व्यक्ति ने एक कच्चा रास्ता जो कि हकीकत नगर की तरफ जा रहा है, उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लिया गया। कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी जो है वो कुछ झटके खाकर रुक गई और उस व्यक्ति द्वारा गाड़ी से निकलकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। दो फायर पुलिस टीम पर किए गए। पुलिस टीम द्वारा ऑट लेते हुए और अपनी आत्मरक्षार्थ एक फायर उस अभियुक्त पर किया गया, जो कि उसके पैर में लगा है। जब उस अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल के लिए पुलिस टीम ले जा रही थी, तो उससे बातचीत में उससे पता चला कि उसका नाम उस्मान है। और अन्य थानों से अन्य जनपदों से जब उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया, तो उस पर लगभग एक दर्जन मुकदमे लूट, गैंगस्टर और हत्या करने के प्रयास के उसके ऊपर पंजीकृत हैं। इस अभियुक्त उस्मान की मुरादाबाद पुलिस को पहले से अब तलाश थी, क्योंकि ये 25,000 रुपये का इनामी 2018 की एक लूट में कटघर से पहले से चल रहा है। इसी संबंध में जो उसके पास से कार बरामद हुई है, वो भी कटघर की पिछले साल की लूट में प्रयुक्त हुई थी। इसी संबंध में यहाँ पर मौके पर SOG टीम थाना कटघर और FSL की टीम मौजूद है। अभियुक्त को अस्पताल जिला अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया गया है।